तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ऑडिशंस के इस तरीके की वीडियोस बनाने में कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि आखिर में किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊं, तो मैं बता दूं कि जो इंसान है अगर उसको देख के भी पता नहीं चल रहा है वीडियो के बारे में कि हम वीडियो कैसे बनाएं, तो जाहिर सी बात है वो ये मंद बुद्धि है या तो वो जानबूझकर मुझे भरमा रहा है। ये दो विचार मेरे मन में है, बाकी की आपके विचार में आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है ये मुझे ज़रूर बताना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक नॉर्मल है, सामने लाइट है और एक मोबाइल का कैमरा है, उसके सामने आपको एक्टिंग करनी है, जाहिर सी बात है मुके की, क्योंकि हमारी फिल्म है बिना डायलॉग्स की है, तो उसके ऊपर ही आपको वो वीडियोस बनाने हैं। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रस है नॉर्मल, अगर हमें जब गुस्सा आता है तो हम जाहिर सी बात है गुस्सा करते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे तमाकू के बारे में। तो गाइस ये हो गया एक रस। अब जो पूछेगा कि भाई ये रस होता है जो नौ रस कहते हैं ना, जिसको अलग अलग एंगल में दर्शाया जाता है चेहरे के माध्यम से, एक्सप्रेशन के माध्यम से, वो भाव है, हमने गुस्से के भाव को दर्शाया है बिना बोले। ये दूसरा रस है जो प्यार मोहब्बत का रस है, दिखाता हूँ मैं आपको, हालांकि गुस्सा बहुत आ रहा है कुछ लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बताता हूँ दूसरा क्या वीडियो है। ये प्यार वाला है, हालांकि मैं आज तक अभी तंबाकू खाया नहीं, इसकी वजह से एक्टिंग तंबाकू की जरा कम कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट शूट हो रहा है, तो हालांकि कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा इधर उधर हो जाएगा, तो उसको आप माइंड में लेके फिर उसी तरह की वीडियोस मत सोच लेना अपने दिमाग में, हालांकि मेरी बैटरी जा चुकी है। अब हम दूसरा रस के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मल थोड़ी फास्ट होती है, जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ में घाई दिखानी है उसके बारे में हम वो चीज़ दिखाएंगे आपको कि आखिर वो घाई कैसे दिखानी है। ये हो गई घाई, और एक हो गया आराम से। आराम से बनाना मतलब एक सुकून से, भैया आप किसी से तमाखू मांग रहे हो। ये इतने सारे रस हैं कि हालांकि कुछ लोगों ने नौ रस बताया है, पर आप चाहो ना तो 500 रस बना के दिखा सकते हो कि हमारे में क्या टैलेंट है। अभी मैं आपको दूसरा रस बताता हूँ कि अगर आप किसी से तंबाकू मांगोगे तो कैसे मांगोगे, अपने हाव भाव से, तो वो दिखाता हूँ। ये हो गया, आपने किसी से मांगा अपने एक्सप्रेशन से, चेहरे से, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, और जाहिर सी बात है यार अगर आप किसी को इशारे में बात करोगे तो वो समझेगा ना, तो हमें दूसरे को समझाना है। अगर आप किसी से समझ लो कि बहुत अच्छी तरीके से तम्बाकू दे रहे हो प्यार मोहब्बत से, तो आप तम्बाकू दोगे। ये चीज़ हो गया, मतलब बिना दर्शाए हम किसी को तम्बाकू दे रहे, तो अपने हाव भाव को दर्शाते हुए उनको तम्बाकू दे रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है आपको दर्शा के दिखाना है। कई सारे रस हैं जिसमें आप लोगों को मैं गिनती नहीं करा सकता हूँ, मैं खुद भूल जाऊँगा क्योंकि डायरेक्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ, और कितने रस हो गए हैं वो मुझे भी पता नहीं है। पर एक एक्टिंग और एक, जैसे कि मैंने आपको बताया गुस्से का, तो गुस्से का जो होता है वो एक रस हो गया, और फिर इसके बाद हंस के दो रस हो गया। अब कोई बोलेगा भाई आप सुबह सुबह उठे हो और मुझे उसका, तो आप सुबह उठे हो जाहिर सी बात है तंबाकू घस रहे हैं, तो आप कैसे करोगे, आप सुबह आराम से आओगे।
फिर आप जो भी है वो करने जाओगे। हालांकि तंबाकू खाने के बाद अक्सर बुजुर्ग लोग क्या करने जाते हैं, आपके माइंड में बराबर वो सेट हो गया होगा। अब हम बताएंगे और दूसरा रस के बारे में कि अगर आपको समझो तलब लगी है रस तंबाकू की, तो आप कैसे करोगे? तो ये चीज़ है, अगर आपको तलब लगी तो जाहिर सी बात है आप इधर उधर जरूर भागोगे उस चीज़ के लिए जिसकी आपको तलब लगी है, जिसकी आपको आदत लगी है। ये है आपको ये रस है, मतलब कितना रस है मैं आपको गिनती करके नहीं बता सकता क्योंकि ये मैं खुद भूल चुका हूँ। चलो ठीक है, ये हो गया क्योंकि आपको तलब लगी थी। अब हम बताएंगे कि अगर आपको उस चीज़ से आराम मिल गई, मतलब आपने तंबाकू खाया आपको फील बहुत अच्छा आया, हाँ, तो वो चीज़ दिखाएंगे हम तंबाकू के बारे में। अब आपने तंबाकू पॉकेट से निकाला, तो ये हो गई तंबाकू खाने के बाद आपको कैसा फील होता है और आप कैसा एक अंदर से एक कहते हैं ना कि तंबाकू खाने के बाद उनको ही पता चलता है जो तंबाकू का आनंद लेते हैं। हालांकि मैं नहीं खाता हूं तो मुझे पता नहीं है, पर वो सीखना और समझना ज़रूरी है क्योंकि हम एक्टिंग के उस दौर में चल रहे हैं जिसमें हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए ठीक है, और मैं आपको कुछ ऐसे रस बताता हूँ जैसे कि अगर आपको तंबाकू नहीं मिल रहा है और फिर इसके बाद आप तंबाकू अगर आपको तंबाकू नहीं मिल रहा था आप ढूंढोगे पागल की तरह, अगर आपको तंबाकू मिल गया तो आप बोलोगे? अगर कोई तंबाकू छुपा के रखा है और आप पूछोगे तो ये चीजें, अगर आप चाहो तो बहुत सारे रस है मुझे एक्स्ट्रा बना के भेज सकते हो जिसको मैं खुद ना जानता हूँ और आपको देख के मुझे लगे कि आप में हकीकत में टैलेंट बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ है। यार मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद एक अंडे में हूँ, मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत है, पर मैं क्या करूँ खुद मजबूर हूँ कि मेरे एक्टर ऐसे हैं क्योंकि बात आती है फ्री की। चलो ठीक है, और बाकी का रस है मैं बना बना के थक जाऊंगा, पर आपके दिमाग में घुसने वाला रहेगा तो घुस जाएगा, अगर नहीं घुसना रहेगा तो नहीं घुसेगा। बाकी हम फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। ये एक बनाया गया वीडियो है जिसमें हमने दर्शाया है कि नौ रस किसको कहते हैं मुँह के बिना बोले, क्योंकि हमारी स्टोरी है बिना बोले ही दर्शाना, लोगों के सामने अपनी कहानी को पेश करना। तो आप समझ गए होंगे अब मुझसे कोई सवाल ये नहीं पूछेगा कि भाई मैं ऑडिशन कैसे दूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिंक भेज दिया था सबको। पर अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात है उनके अंदर एक्टिंग का जो है कीड़ा वो मर चुका है, उसको जगाने की ज़रूरत है। चलिए हम फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।